नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में इस वक्त की बड़ी खबर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि होली का अवसर है और होली के अवसर के पहले पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर ध्यान दे रही हैं, और इसके साथ साथ सात राज्यों के विधानसभा चुनाव के अगर मद्देनज़र देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष ने ये बात ठान ली है कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी को तो हराना ही है। लेकिन बात गुलाम नबी आज़ाद की हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लताड़ा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद आजकल BJP की तारीफ कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि अमित शाह पर मुझे भरोसा है, यानी कि एक कयास लगाया गया था कि गुलाम नबी आज़ाद शायद अमित शाह की उस बात का, उस जवाब का, उस व्याख्यान का इंतजार कर रहे हैं जिससे उनका राजनीतिक कैरियर सुरक्षित हो सकता है। लेकिन लगातार देखा जाए तो BJP पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अभी तक कोई जिक्र नहीं कर पाई है, और गुलाम नबी आज़ाद के 90% नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को जो है शामिल करवाने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। इसके साथ साथ देखा जाए तो जयराम रमेश ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अस्वीकार भाषा का प्रयोग करेगा, ऐसे नेताओं की हमारे पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद से ही जो है सियासत गर्मा गई और गुलाम नबी आज़ाद सुर्खियों में आ गए। गुलाम नबी आज़ाद लगातार चर्चाओं का विषय बन गए, कश्मीर पंडितों की बात करने लगे, उसके साथ साथ मोदी सरकार को घेरने लगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जहाँ तारीफ करते थे, भारत जोड़ो यात्रा की बुराई करने लगे, राहुल गांधी की बुराई करने लगे। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ये भरोसा ठोक रहे हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या गुलाम नबी आज़ाद अपनी दम पर महबूबा मुफ्ती और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, BJP के नेता, उनको मात दे पाएंगे? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद फिर से CM बनने का सपना देख रहे हैं, और कश्मीर विधानसभा चुनाव, जी हाँ, कश्मीर विधानसभा चुनाव जो है 2024 के पहले पहले करा लिए जाएंगे, ये बड़ी खबर है। लेकिन देखना ये होगा कि गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपना परचम कैसे लहराते हैं, और अगर यहाँ पर हारते नजर आते हैं तो किस पार्टी के साथ यहाँ पर राजनीति खेलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 News।